नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रायसेन से आ रही है, जहां आपसी विवाद में हुए झगड़े में मृतक की संख्या पहुंची दो पर। चार लोग हुए गंभीर रूप से घायल, वहीं घायलों में एक का भोपाल और तीन का रायसेन जिला अस्पताल में इलाज जारी। पीड़ित परिवार के सदस्यों की मांग पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला ने की बड़ी कार्रवाई। आठ लोगों पर किया मामला दर्ज, वही तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, वही मामले को लेकर थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू को किया लाइन अटैच। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी और थाना प्रभारी को लाइन अटैच करने के बाद परिजनों ने किया चक्का जाम खत्म। करीब चार घंटे तक चलता रहा चक्का जाम। आपको बता दें कि आज सुबह ग्राम पठारी में एक ही समाज के दो परिवारों में हुआ था खूनी संघर्ष। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदिल खान के साथ जुड़ चुकी है रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और अभी हमने आठ नौ लोग अरेस्ट कर लिए हैं, उसमें है ना कार्रवाई चल रही है अरेस्टिंग की। मैं और कलेक्टर साहब दोनों अभी घटनास्थल को घूम के आ गए हैं, स्पॉट निरीक्षण किया और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उस गाँव के जितने लाइसेंस है वो सर हम निरस्त कर रहे हैं। ठीक जी मैम, वही फरियादी पक्ष का जो आरोप है कि थाना प्रभारी जी द्वारा पैसे लिए गए, लाइन संबद्ध हो गए, नहीं जो भी हो उसकी जांच हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल लाइन थाना प्रभारी को और पटवारी को लाइन से संबद्ध कर दिया गया। कलेक्टर साहब ने पटवारी को और हमने थाना प्रभारी को, जांच में जैसा पाएगा वैसी कार्रवाई होगी। एसपी मोनिका शुक्ला ने हमारे संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान बताया कि पटवारी एवं थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे केकेआर न्यूज़।